आज किस तरीके से बेंगलुरु में राहुल गांधी ने इस चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी की तरफ से उन पर, उनकी पार्टी पर, उनकी मां पर जो हमले हुए, उस हर हमले का करारा जवाब दिया। माय मदर इज इटालियन। माय मदर हैज आल्सो लिव्ड लार्जर पार्ट ऑफ हर लाइफ इन इंडिया। शी इज मोर इंडियन than many, many Indian people I see. My mother has sacrificed for this country. My mother has suffered for this country. And it shows the quality of the Prime Minister when he makes these type of comments. It shows the quality of the man. And I'm happy to let him do so. If he enjoys himself, if he likes it, welcome. Have a nice day. इस चुनाव अभियान के दरमियान कर्नाटक में आपको जो भाषा पसंद हो उस भाषा में, हिंदी बोल सके तो हिंदी, अंग्रेजी बोल सके तो अंग्रेजी, आपकी माताजी की मातृभाषा बोल सके तो मातृभाषा, आप 15 मिनट हाथ में कागज लिए बिना कर्नाटक की आपकी सरकार की अचीवमेंट, सिद्धियां 15 मिनट कर्नाटक की जनता के सामने बोल दीजिए, और एक छोटा काम साथ साथ कर देना, उस 15 मिनट के भाषण के दरमियान कम से कम 5 बार श्रीमान विश्वेश्वरैया जी का नाम का उल्लेख 5 बार कर दीजिए। तो कर्नाटक का चुनाव हो सीएम के लिए रहा है, लेकिन विवाद पीएम को लेकर हो रहा है। राहुल ने पीएम की दावेदारी पेश की और मोदी ने देश के बाल्टी युद्ध का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साध दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी नामदार हैं, मैं कामदार हूं, और विपक्ष के नेताओं का अभी एक संगठन बना नहीं है, उससे पहले ही विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं, उनसे बिना सलाह मशविरा किए उन्होंने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। जहां तक प्रधानमंत्री की बात है, ये कर्नाटक का चुनाव है, और ये सब जो चीजें हैं ये डिस्ट्रैक्ट करने की चीजें हैं। यहां पे एक सवाल है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सिद्धरमैया जी बैठे हुए हैं, इनकी आप चेहरा देखिए, दूसरी तरफ येदुरप्पा जी बैठे हैं, दूसरी तरफ रेड्डी ब्रदर्स बैठे हैं। 35,000 करोड़ रुपए रेड्डी ब्रदर्स ने कर्नाटक की जनता से चोरी किया है, कंपैरिजन ही नहीं है। एक तरफ एक ईमानदार व्यक्ति जो प्रदेश के लिए काम करते हैं, दिल से काम करते हैं, दूसरी तरफ जेल में बैठे हुए, जेल से निकले हुए। दिस इलेक्शन विल स्ट्रेंथन योर चांसेस फॉर 2019 एंड व्हाट आर योर थॉट्स, व्हाट आर, एज यू सेड दैट यू वांट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, व्हाट आर योर चांसेस फॉर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर इन 2019? आई अगेन वांट टू स्टे दिस, यू, this election is not about me and this election is not about the prime minister. jis gaon mein pani ki qillat hoti hai aur gaon ko pata chalta hai ki bhai mangalwar ko dopahar 3 baje pani ka tanker aane wala hai to gaon ke भले भोले लोग क्या करते हैं, जहां टैंकर के आकर के खड़े रहने की जगह होती है, सुबह से जाकर के वहां अपनी बाल्टी रख देते हैं, दूसरा अपनी बाल्टी रखता है, फिर तीसरा, सारे गांव वाले एक कतार में अपनी बाल्टी लगा देते हैं और 3 बजे टैंकर आएगा उसका इंतजार करते हैं। और लोग इतने ईमानदार होते हैं कि बाल्टी रख करके अपने घर काम के लिए चला जाता है, कोई किसी बाल्टी को छूता नहीं है, और फिर जैसे ही टैंकर आता है बाल्टी बारी बारी से भरता है। लेकिन आपने देखा होगा गांव में एक दबांग होता है, सरफरा होता है, कानून व्यवस्था को मानता नहीं है, लोकतंत्र को मानता नहीं है, नियमों को नहीं मानता है, वो 3 बजे ठीक पहुंच जाता है,
यूं यूं छाती करके निकल के आता है और बाकियों की बाल्टियों को दूर करके खुद की बाल्टी सबसे पहले रख देता है और टैंकर का पानी पर उसी का हक है सबसे पहले ले लेता है। अचानक एक आ गया, उसने घोषित कर दिया बाकी कतार का जो होगा सो होगा, बाकी गठबंधन के दलों का जो होगा सो होगा, 40 साल से सीनियर नेता पड़े हैं उनका जो होता होगा। उसने आकर के अपनी बाल्टी रख दी, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। मुझे बताइए, इस प्रकार से स्वयं को प्रधानमंत्री घोषित कर देना, ये अहंकार सातवें आसमान पर पहुंचा है उसका सबूत है कि नहीं है? राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए कहीं भी जाते हैं तो फिर वो मंदिर जरूर जाते हैं। अब बीजेपी को ये नागवार लगता है, इसीलिए चुनावी हिंदू कहकर बीजेपी राहुल गांधी पर निशाना साधती है। आज जब राहुल गांधी कर्नाटक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो राहुल गांधी ने चुनावी हिंदू के बीजेपी के आरोप पर भी जवाब दिया। एज ए लीडर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, इट इज माई जॉब टू स्टैंड विद देम इन देयर बिलीव्स। सो हूएवर इनवाइट्स मी टू व्हिचएवर इंस्टीट्यूशन I will go to because I respect their perspective. What's interesting is throughout the last 15 years, I have been visiting temples, I have been visiting mosques, I have been visiting gurdwaras, I have been visiting pretty much every religious institution I come across. For some reason, the BJP doesn't like this. For some reason, the BJP gets very uncomfortable when I go to a temple. They've called you an election Hindu. Yeah, I don't think they understand the meaning of the term Hindu. Because the term Hindu is a perspective, it's a viewpoint. And it is something that is in the heart, it is imbibed, and it lives with you throughout. So that statement, election Hindu, is a demonstration of how they view their religion. I don't view my religion like that. Rahul Gandhi mandir zarur ja rahe hain. लेकिन मैं आप सबसे कहूंगा कि मंदिर जाने के लिए राहुल गांधी को थोड़ा ट्रेनिंग भी दीजिए कि मंदिर में कैसे बैठना चाहिए। हम लोग तो जाते ही है, अब वो चुनाव के बहाने भी जाए तो जाए, अच्छा ही है, उस बहाने भी मंदिर जाना अच्छा ही होता है। दलितों को लेकर देश में चर्चा बहुत हो रही है, कांग्रेस बीजेपी में एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ भी चल रही है। दिखाते हैं आपको दलितों के मुद्दे पर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की ये टक्कर। को दलितों से कुछ लेना देना नहीं और सिर्फ वो उनके मुद्दे उठाते हैं और तो मुद्दे तो उठाते हैं। हमारा ये सवाल है कि प्रधानमंत्री उनके मुद्दे क्यों नहीं उठा रहे हैं? मतलब इस बार तो प्रधानमंत्री हमारी बात कर रहे हैं। हमने कहा है कि दलितों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कूटा जा रहा है, दबाया जा रहा है। रोहित वेमुला खड़ा होता है, कहता है मुझे शिक्षा चाहिए, उसको कुचल के मार दिया जाता है, चिट्ठी जाती है, उसको दबा दिया जाता है। नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। ऊना में दलितों को मारा जाता है, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। उत्तर प्रदेश में मारा जाता है, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से शब्द नहीं निकलता है। तो दलितों के मुद्दे हम तो उठाएंगे, वो तो हमारा काम है। आज सबसे ज्यादा एससी, एसटी, ओबीसी इस वर्ग के लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं। इस वर्ग से सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाजपा के हैं, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो या माइनॉरिटी हो। भाजपा सभी को एक साथ आगे लेकर के बढ़ रही है। इस वर्ग का एम्पावरमेंट हो, हर क्षेत्र में ये सशक्त हो, इस दिशा में हमने निरंतर कार्य किया है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।